कहते हैं ससुर और दामाद का रिश्ता आपसी प्यार, समझ और जिम्मेदारी वाला होता है। लेकिन इन सब बातों से आपका भरोसा उठ जाएगा जब आपको पता चलेगा कि एक कलयुगी दामाद ने अपने ही ससुर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये मामला छतरपुर के ग्राम गढ़ी सेमरा का है, जहां पहलवान महाराज लोधी अपनी बेटी के ससुराल आए थे। इसी दौरान उनके दामाद अखिलेश लोधी ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पहलवान लोधी किसी तरह से घर से बाहर आए तो गांव वालों ने आग बुझाई और पुलिस को सूचित किया। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में छतरपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये बक्सवाहा क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी सेमरा गांव है, जहां के पहलवान लोधी जो लगभग 45 के आसपास इनकी एज होगी, इनको सीरियस कंडीशन में चूंकि आग लगी हुई थी इनके ऊपर, तो इनको अभी दमोह रेफर किया गया है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। प्राइम ऑफिसी जो वीडियो आपके माध्यम से संज्ञान में आया है और वहाँ पे जो स्टेटमेंट किए हैं, उन्होंने अपने दामाद अखिलेश और साथ में 3 अन्य लोगों के नाम बताए हैं, तो डैन डिक्लेरेशन और अन्य साक्ष्य के आधार पर इसमें हम कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।